तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्रीकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक और बाबा मार्केट में आ गए और पिछले 2-3-4 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर छाए हुए, और ऐसा हमेशा होता है। आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले बागेश्वर धाम, उससे पहले एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो बाबा हैं ये थोड़े से हटकर हैं और इनकी कुछ खासियत है, आपको बताता हूँ। और बाकायदा ऐसा नहीं है, हवा हवाई रिकॉर्ड पर ये कहते हैं कि इनके पास कुछ ऐसी ताकत है कि जिसके ज़रिए वो तमाम मसलों का हल कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक बड़े बड़े नेता इसमें कूदे कि शायद जेलेंस्की और पुतिन के बीच समझौता करा दूँ। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस पर किया कि पहल, उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कोशिश की, लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं हुई। अब ये बाबा कह रहे हैं कि मैं इस जंग को ख़त्म कर सकता हूँ चुटकी में। जेलेंस्की और पुतिन को, दोनों को पल में मैं सिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। अभी अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस न मालूम कितने राज्यों में दौड़ रही है पकड़ने के लिए। एक भक्त ने पूछा अमृतपाल सिंह के बारे में, उन्होंने कहा मालूम है वो भागा हुआ है, मैं चाहूं तो पकड़वा दूंगा। एक जोड़ा पहुंचा इनके पास, उसमें माँ बाप भी थे और उनका बेटा था। माँ बाप ने कहा बाबा से कि मेरा बेटा, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसको, वो साथ रहना नहीं चाहता है, तलाक देना चाहता है, अलग रहना चाहता है और कहता है कि मैं ज़्यादा फोर्स करोगे तो बीवी को मार दूंगा। बाबा कहते हैं इसके सर पे कर्ज है लेकिन कोई चिंता नहीं है, और मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर प्यार पनप रहा है कि नहीं। कहता हाँ जी पनप रहा है, मसला हल हो गया। इसके बाद एक और शख्स जो शायद बहुत दूर से आया था, वो बताता है कुछ बीमार, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा एक ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन ख़राब हो गया और उसकी वजह से किडनी और हार्ट में ब्लॉकेज, आर्टरी ख़राब, लेकिन अब तुम आ गए हैं, मंत्र पढ़ दिया, अब कैसा फील हो रहा? वो भी कहता हाँ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा हमने किडनी और हार्ट दोनों बदल दिया। भरी सभा में खड़े खड़े बिना ऑपरेशन टेबल पर लेटाए, वो किडनी और हार्ट भी उन्होंने बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई आता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे को वो मंत्र पढ़ते हैं, हाथ घुमाते हैं, फिर वो कहता हाँ मुझे दिखने लगा है। जितनी आप बीमारियों की बात करें वो सारी बीमारी ये बाबा कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। अब सवाल ये कि मार्केट में आए ये नए बाबा हैं कौन? तो इनका नाम है करौली बाबा। और करौली बाबा क्यों सुर्खियों में? हालांकि एक डर भी रहता है कि जो बाबा ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर छाते हैं अचानक सुर्खियों में आते हैं, कई कई दिन टीवी पर रहते हैं, फिर उनका अंजाम बड़ा बुरा होता है। और पुरानी कहानियों को अगर देखें आप लिस्ट, तो ऐसे तमाम बाबा पहले सुर्खियों में आए और फिर अभी जेल के अंदर से उनकी बाबागिरी की दुकान चल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सुर्खियों में आने के बाद, क्योंकि पुलिस उनके आश्रम तक तो पहुँच चुकी है, अब आगे क्या होता है ये देखिए। तो करौली बाबा आज इनकी पूरी कहानी है। हालांकि ये करौली बाबा इनका नामकरण, इन्होंने यह नाम अपना खुद रखा, वरना इनका नाम करौली बाबा नहीं हुआ करता था। तो आज करौली बाबा की पूरी कहानी, लेकिन ये कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ही तमाम जो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, कुछ बाबा बहुत अच्छे रहे, जैसे मुझे याद आता है कि इसी करौली बाबा के नाम पर नीम करौली बाबा की एक मैंने आपको कहानी सुनाई, लेकिन उनकी इज्जत, उनके प्रति आस्था, उनके आचरण, उनके व्यवहार के बारे में आज भी लोग याद करते हैं और बड़ी अकीदत और श्रद्धा के साथ वहाँ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बाबा बुरे होते हैं, कुछ हैं लेकिन पता भी चल जाता है नंगी आँखों से ही। अब एक बाबा का मतलब होता है दुनिया की ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐशो आराम, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब जिस बाबा के पास महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला हो, गनर हो, तो फिर लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। अब जिन बाबा की आज कहानी सुना रहा हूँ, उनके तबेले में 3-3 रेंज रोवर कार है, इसके अलावा और भी ना मालूम कितनी गाड़ियाँ हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो बाबा हुए हैं, ख़ासतौर पर वो बाबा जो शिकंजे में आए कानून के और जिन्होंने भक्तों के विश्वास को लूटा, बाबाज इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो एक कहानी, बहुत सारे बाबा थे जो बाद में पॉलिटिक्स में आए।
तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो कुको एफएम के ऑडियो बुक में जाकर ये सुन सकते हैं बाबाज इन इंडियन पॉलिटिक्स, तरह तरह के बाबाओं के बारे में। कुको एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, आप स्लीप मोड पर भी सुन सकते हैं, आप कार चलाते वक्त भी सुन सकते हैं, और इनमें तमाम बायोग्राफी है, चाहे वो बिजनेस हो, क्राइम, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, बाबा हो। और ख़ास तौर पर क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए कुको एफएम जो ऐप है उसने सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट दे रही, यानी जो 99 रुपीज़ का है वो 49 रुपीज़ में आपको मिलेगा, 10,000 ऑडियो बुक का पूरा खजाना मिलेगा। और क्राइम तक फैमिली मेंबर को सिर्फ करना ये है कि डिस्क्रिप्शन लिंक जो दिया गया है उसमें क्राइम 50 कूपन कोड है वो यूज़ करें और 50% डिस्काउंट हासिल करें। जो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 49 रुपीज़ में मिलेगा। तो कुको एफएम ऐप पर भी आप अपनी तमाम इस तरह की चीज़ें उसके ऑडियो बुक में आप सुन सकते हैं। तो आते हैं आज के बाबा के ऊपर। और ये जो बाबा हैं, असल में करौली बाबा ये नाम खुद ही इन्होंने रखा, वरना जब ये पैदा हुए थे तब माँ बाप ने इनका नाम रखा था संतोष सिंह भदौरिया। संतोष सिंह भदौरिया यूपी में उन्नाव के पास एक गांव है पवई गांव, वहाँ जन्म हुआ। एक आम परिवार में जन्म हुआ, बहुत ज़्यादा परिवार के पास पैसे नहीं थे, आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, उसी माहौल में संतोष सिंह भदौरिया बड़े हुए। बड़े होने के बाद फिर लगा कि पैसे बहुत कमाने का शौक था लेकिन माली हालत ठीक हो नहीं रही थी। फिर उन्होंने शादी की, लगा कि पत्नी की नसीब से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अब इत्तफाक से शादी के 3 साल हो गए, कुछ चीज़ें बदली नहीं, तो संतोष ने अपनी पत्नी पर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर पत्नी से अलग हो गए, छोड़ दिया। इसके बाद एक दूसरी महिला से शादी की, वो संपन्न परिवार से थी। उस परिवार ने संतोष सिंह को एक टेम्पो खरीद कर दिया, अब टेम्पो से ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, और आगे जाना है। इसके बाद प्रॉपर्टी के धंधे में उतर गए, जो विवादित ज़मीन हो उसको ख़रीदना बेचना। अब प्रॉपर्टी के धंधे में दुश्मनी भी बहुत होती है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 4 अगस्त 1992 में एक कानपुर के फजलगंज इलाके में एक कत्ल होता है जिसका नाम है अयोध्या प्रसाद। इस कत्ल के सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है और उनमें से एक थे संतोष सिंह, इनका भी नाम उसमें। गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, जेल गए, लेकिन फिर 1993 में ये जेल से जमानत पर बाहर आए। बाहर आने के बाद अब फिर कि क्या करें, फिर कहा कि चलो राजनीति में किस्मत आजमाते हैं, शायद वहीं से कुछ अमीर बने। तो शिवसेना ज्वाइन किया, शिवसेना में कुछ वक्त तक रहे, फिर लगा शिवसेना में बात नहीं बन रही है, क्योंकि वैसे भी यूपी में शिवसेना उतनी ताकतवर नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर शायद कहीं भी नहीं है। तो शिवसेना छोड़ा और फिर तय किया कि अब भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन करेंगे, BKU। तो भारतीय किसान यूनियन जुड़ गए, किसान नेता बने, धरना प्रदर्शन में कई शामिल हुए, लाठियां भी खाई। लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि यहाँ भी वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो सपना लेकर आए, तो भारतीय किसान यूनियन भी छोड़ दिया। अब क्या करें? तो फिर इस दौरान में 2 बेटे भी हो गए, लव और कुछ नाम रखा। फिर ये केरल पहुँच गए, केरल में जाकर इन्होंने अलग अलग तरह की थेरेपी को सीखना शुरू किया और केरल में पूरी थेरेपी की एक तरह से पढ़ाई की, जो समझिए सीखा। और वो सब करने के बाद वापस सब कानपुर पहुँचे। कानपुर में आने के बाद अपनी एक क्लिनिक खोली थेरेपी की और अलग अलग तरह की थेरेपी करते, थोड़ी बहुत दुकानदारी चल रही थी। फिर धीरे धीरे एक हॉस्पिटल खोला, उसके बाद करौली गांव है यूपी में ही कानपुर के पास, वहीं पे एक मंदिर बनाया और उस मंदिर के बाद वहीं पे एक छोटा सा आश्रम बनाया, नाम रखा लवकुश आश्रम। अब लवकुश आश्रम बनाने के बाद संतोष सिंह वहाँ पे लोगों का थेरेपी के नाम पर मतलब गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करने का दावा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ना दिखाई देता हो, आँखों से आँखों की प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसी बीमारी जिसके बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, वो सब ठीक कर देंगे मंत्र से। और उसके बाद धीरे धीरे अब लोग आने लगे, हमारे देश में वैसे भी परेशान बीमार इन लोगों की तादाद बहुत है,
तो जहाँ से उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई देती है, लोग उस विश्वास में वहाँ चले आते हैं। और जितने भी हमारे इस तरह के बाबाओं की दुकान चलती है, वो यही वजह है कि लोग इन चीज़ों से इतना दुखी होते हैं कि कहीं से भी हल्की सी भी उम्मीद नज़र आती है, वो एक आस्था और अकीदत के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब धीरे धीरे इस आश्रम में लोग आने लगे, जब आश्रम में लोग आने लगे तो आश्रम का दायरा फैलता गया, और फिर ये करीब 14 एकड़ में आश्रम फैल गया, छोटा मोटा कस्बा ही समझ लीजिए आप। तमाम बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लोग आते रहते, और अब वहाँ पे बाकायदा इलाज चलना शुरू हो गया मंत्र के जरिए। फिर लगा कि नहीं, अब किसी भी बाबा या बाबागिरी की दुकान को चलाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, पब्लिसिटी ज़रूरी है। तो करौली बाबा ने एक तो पहले अब अपना नाम बदल दिया, अब वो करौली बाबा सरकार हो गए, संतोष सिंह भदौरिया उन्होंने नाम छोड़ दिया, अब करौली बाबा सरकार लोग बुलाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, अब वो जो दरबार लगाते और दरबार में लोग आते, जादू टोना तंत्र मंत्र, और लोगों से पूछते, फिर कहते अब ठीक लग रहा है, अब ठीक हो गए, तो वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड होने लगी, और अब अपना यूट्यूब चैनल और उस चैनल पे अपनी सारी जो चीज़ें थी वो उसको दिखाना शुरू किया। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर करौली बाबा की इन तमाम चीज़ों को लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को लगा कि हम भी परेशान हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उम्मीद के मारे सब इस करौली आश्रम में पहुंचने लगे। अब धीरे धीरे करौली बाबा का नाम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी उस तरह का नाम नहीं था। अब इस दौरान में और ज़्यादा नाम कैसे हो क्या हो, इत्तेफाक से 22 फरवरी को करौली बाबा को ये मौका मिल गया। नोएडा में एक डॉक्टर फैमिली रहती है, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, ये अपने परिवार के साथ करौली पहुँचे, वहाँ दरबार में पहुँचे, 2600 रुपये की पर्ची कटाई और जाकर खड़े हो गए। बारी आई इनकी, तो वहाँ बारी ऐसी होती है, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि करौली बाबा बैठे होते हैं, सामने वाले को जो पैसे दे चुका होता, पर्ची कट चुकी होती, वो माइक पे खड़ा होता है, फिर वो अपनी समस्या बताता है, फिर करौली बाबा उसको 3 शब्द का एक मंत्र है वो बोलते हैं और फूंकते हैं माइक पर, फिर पूछते हैं कि चमत्कार का असर हुआ। ज़्यादातर सामने वाला कहता हुआ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अच्छा, एक लड़की पहुंची थी, उसने कहा बाबा मैं परेशान हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतला होना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसको अलग अलग बताया कि अच्छा तुम ऐसे करो। उसके बाद थोड़ी देर बाद वही मंत्र पढ़ते हैं, 3 शब्द का जो मंत्र है उनका है, वो है ओम शिव बैलेंस, ओम शिव बैलेंस। फिर फूंक मारा, फिर लड़की से पूछते हैं कि कुछ लग रहा है कि अब तुम्हें महसूस हो रहा, तुम पतली हो गई? लड़की कहती है हाँ जी मुझे महसूस हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी भी पहुंच गए, 2600 की पर्ची भी कटाई थी, माँ बाप साथ में थे। अब उन्होंने जो भी अपनी समस्या बताई, उसके बाद करौली बाबा ने वही अपना माइक के सामने ओम शिव बैलेंस बोला और फूंका। उसका डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से पूछा कुछ असर हुआ आप पर? डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने ना में गर्दन हिला दिया, बोला नहीं। बाबा ने कहा अच्छा रुको। इसके बाद फिर उन्होंने दोबारा यही मंत्र पढ़ा, ओम शिव बैलेंस, फिर फूंका। अच्छा, पूरे दरबार में और भी बहुत सारे लोग हैं, पूछा अब असर हुआ? डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने दोबारा गर्दन ना में हिला दिया कि नहीं मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब बाबा को गुस्सा आ गया। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास खड़े सेवादारों की तरफ देखा, सेवादार आ गया है, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को अपने साथ बड़े प्यार से ले गए। थोड़ी देर के बाद वो एक कमरे में थे और कमरे में उनकी पिटाई चल रही थी। इसके बाद वो बाहर निकले, नाक की हड्डी टूट चुकी थी, सर फूट चुका था, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, पुलिस ने भी एक्शन लिया और पुलिस पहुंच गई बाबा के दरबार में। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जब डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का ये केस सामने आया, पुलिस आश्रम पहुंची, तो मार्केट में आए नए बाबा का नाम। अब उस जो अपने उनके अभी तक पब्लिसिटी के जो जरिया थे यूट्यूब और बाकी, उससे निकलकर अब वो नेशनल मीडिया में आ गए। अब हर न्यूज़ चैनल पर करौली बाबा, उनका दरबार, उनके सारे तंत्र मंत्र, उनके सारे जादू टोना को भगाने का जो तरीका, उनके काम का तरीका, उनके दावे, ये सारी चीज़ें अब हर तरफ दिखाई जा रही हैं। और अब अचानक जो बाबा हैं वो सुर्खियों में। अब सवाल ये है कि इनकी सच्चाई क्या है? कहानी तो मैंने आपको पूरी बता दी, बचपन से लेकर
नाम भी बताया, फिर कैसे कैसे इन्होंने काम किया। अब इनका और इनके आश्रम की पूरी सच्चाई क्या है वो आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। इनका ये जो बाबा है, इनका मेन ये है कि ये सारी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं मंत्र से। बे औलाद को औलाद दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा है और प्रेम नहीं है तो झगड़े को दूर कर उन दोनों के बीच में प्रेम पैदा कर सकते हैं। मोटा है उसे पतला कर सकते हैं। भगोड़ा कोई मुजरिम है उसको पकड़वा सकते हैं। दुनिया में कहीं जंग चल रही हो उसको रुकवा सकते हैं। जिन तमाम बीमारियों को डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग पहुँचते हैं, बहुत विदेश से भी पहुँचते हैं। कहते हैं कि करीब 17 देश में बाबा के फॉलोअर्स हैं और वो लोग आते हैं इनके। जब आप आश्रम जाएंगे तो चारों तरफ इनके गनर भी खड़े होते हैं। गनर के साथ आलिशान गाड़ियाँ हैं। इनके ऑफिस में आप देखिए तमाम ऐसी चीज़ें जैसे आपको लगेगा किसी 5-स्टार होटल में इनका कमरा है। और कभी इनके साथ आप नाश्ता करें तो पता चलता है कि टेबल पे क्या क्या रखा हुआ है। और वो सारा हिसाब किताब इनके दोनों बेटे जिनके नाम पर लवकुश आश्रम है वो संभालते हैं। अब इनसे पूछा गया कि आप अलग कैसे हैं, कई जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, तो आप ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत भगाते हैं। तो इनका बड़ा दूसरा लॉजिक है। करौली बाबा का कहना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सारी बीमारियां जो हैं वो पितृ दोष और आपकी याददाश्त स्मृतियों की वजह से होती है। उन्होंने कहा कि जो स्मृतियां हैं वो कभी मिटती नहीं है, नष्ट नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। जैसे कोई आदमी मरता है तो शमशान या कब्रिस्तान के आसपास कुछ ऐसी निशानियां छूट जाती हैं और वो किसी ना किसी के दिमाग में घुस जाती हैं और फिर उनको लगता है लोगों को कि ये भूत प्रेत है, जबकि ऐसा नहीं है, वो स्मृतियाँ होती हैं। तो कहते हैं कि मैं, मेरे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि मैं किसी की भी स्मृति किसी और में डालकर उसे बीमार कर सकता हूँ और उसे अच्छा कर सकता हूँ। अब ये अजीब सी चीज़ है। उनका कहना है कि पितृ दोष और 27 जन्मों की स्मृतियों का इलाज करता हूँ, ये उनका दावा है। और ये भी है कि सबके दिमाग पर एक तरह से लेप लगाते हैं और उसकी जो निगेटिव सोच और स्मृतियाँ हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इनके पास बड़े बड़े, हर बाबा की तरह इनके पास भी बड़े बड़े लोगों का ताना आना जाना सब कुछ लगा होता है। अब लेकिन ये जो सारी चीज़ें करते हैं ऐसा नहीं है कि ये दान पुण्य और ऐसी फ्री में सब कुछ हो रहा है। अब ज़रा हिसाब किताब पर नज़र डालिए। इस करौली आश्रम में आने वाले हर शख्स को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 100 रुपये देना होता है, 100 रुपीज़। इसके बाद ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन, अब 100 रुपये देने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। अब फिर आपको 100 रुपये और देना है और वो है बंधन का चार्ज, बंधन की फीस। अब बंधन क्या है? बंधन एक सफ़ेद धागा ये देते हैं जो कमर पर बांधना होता है। जो भी वहाँ आएगा, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर बंधन चार्ज, यानी कि एक धागा जो आपको कमर पर बांध दिया जाएगा। अब ये भादा, ये जो धागा बांधा जाता है, ये 3 महीने की आपकी गारंटी है कि आप 3 महीने तक आपसे इसके 100 रुपये नहीं ले जाएंगे। हाँ, 3 महीने जब पूरा हो जाएगा फिर आपको ये धागा या बंधन चार्ज रिन्यू कराना पड़ेगा। तो 200 रुपये यहाँ से शुरू हो गए। इसके बाद 100-100 रुपये की दो अलग अलग अर्जियाँ जो है वो दरबार के लिए लगती हैं, क्या बाबा से मिलना है, उनको बताना है, उनको परेशानी शेयर करनी है। फिर वहाँ हवन में शामिल होना होता है और हवन में शामिल होने के लिए जो खर्चा है 6200 के करीब है, 6200 रुपये टोटल खर्च। तो कायदे से 6200 ये देखिए और 100 रुपये एंट्री 63, 100 रुपये बंधन 64 और 100-100 की दो अर्जियां, तो 6600 आपको तो खर्च करना मिनिमम है ही है। हाँ, इसमें से एक चीज़ और होता है कि आप चाहें तो हवन ना कराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये हवन जो होता है, ये हवन 9 दिन के अंदर होता है, 9 दिन तक का ये पूरा एक सिस्टम है। तो ये 6600 हो गया, अब आपको वहाँ रहना भी है। जो बाहर से आया तो पूरा आश्रम बना हुआ, अब उसमें रहने खाने पीने का खर्चा अलग है। जो आपके साथ आपके लोग आए हैं, तीमारदार आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, उन सब का भी अलग है, तो वो पैसे अलग आपको देने हैं। अभी आपको एक शख्स आया मान लीजिए और कहे कि मैं बहुत जल्दी में हूँ बाबा, 9 दिन इंतज़ार नहीं करना है और मेरी बीमारी मेरी परेशानियों को सिर्फ आप 1 दिन में, आज ही आया हूँ, आज ही लौट जाऊँगा, आज ही ठीक कर दीजिए, तो वहाँ मना नहीं होता, कहा जाता है ठीक है, उसकी फीस अलग है। 1 दिन में आपको अपनी बीमारी अपनी परेशानियों को दूर करवाना है
तो 1,51,000 रुपये की फीस है सेम डे, सारी चीज़ें सारे लोगों को बाकी साइड में रखकर आपके साथ VVIP ट्रीटमेंट होगा और 1,51,000 देने के बाद आपका सारा काम होगा। अब यहाँ से जो भी आता है हवन करने के लिए, तो हवन की सामग्री बाहर से लेकर नहीं आते, बाकायदा आश्रम के अंदर हवन की किट दी जाती है, उसको कहते हैं हवन किट, और इस हवन किट की कीमत है 3500 रुपये। मतलब हवन में शामिल होना 6200 वन ने आपको अलग बताया, अब हवन किट भी आपको लेना है ताकि आप हवन कर सकें, हवन किट की कीमत है 3500 रुपीस, और कम से कम 9 हवन करने होंगे इस आश्रम में, यानी हर दिन के लिए एक किट खरीदनी है आपको। अब 3500 रुपये का एक किट है, 9 दिन के आप किट जोड़ लीजिए 3500 के हिसाब से कितना होता है। तो अगर आप 9 दिन तक आश्रम में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप अगर जोड़ना शुरू करें तो आप जोड़िए कि कितने पैसे होंगे। और वही है, दूसरा ऑप्शन ये है कि 9 दिन में नहीं है तो 1,51,000 रुपये दो आप। तो ये तो सारी फीस हो गई। अब साथ में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं परेशानी और ये सारी चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे काला जादू से भी छुटकारा, अगर किसी ने काला जादू कर रखा है तो बाबा उसका भी इलाज का दावा करते हैं, और इसके लिए अलग से 2100 रुपये फीस देनी पड़ती है। साथ में इसके लिए आरोग्य हवन भी किया जाता है और कराया जाता है, और उसकी कीमत है 21,000 रुपीस, 21,000 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ आने वाला कम से कम एक फैमिली जो आता है इस आश्रम में और वो ये सारी चीज़ें कराता है, अगर उसके दिमाग में है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि दिमाग में तो डाल दिया गया है कि आपकी ये सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तो पर ये करना पड़ेगा। तब 9 दिन अलग अलग हवन, इसके अलावा हवन किट, रहना, खाना, पीना। कहते हैं एक आदमी का या एक परिवार का, क्योंकि एक कोई जाता नहीं है, उसके साथ 2-3 लोग तो ज़रूर होते हैं, एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्च, एवरेज एक फैमिली के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का। तब ये इस तरह से हिसाब लगेगा कि अगर बाबा के दरबार में हर दिन जो लोग आते हैं, कहते हैं कि 3-5 हज़ार लोग आम दिनों में आते हैं, तो महीने में बल्कि पर डे का करोड़ों रुपए से ऊपर का टर्नओवर है। अब करोड़ों रुपए का टर्नओवर है बाबा का, 14 एकड़ में ज़मीन है, सारा कुछ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है, दोनों बेटे इनके सारे हिसाब किताब रखते हैं, और कहते हैं कि पिछले 3-4 साल में ही बाबा ने इस आश्रम के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाए। अब उनका हिसाब किताब कहाँ कितना वाइट कितना ब्लैक पता नहीं, क्योंकि वो सब कुछ आश्रम के अंदर रहता है, आश्रम के चारों तरफ गनर रहते हैं। मैंने शुरू में बताया रेंज रोवर जैसी तमाम महंगी गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर जब आप जाएँ और लोगों से आप बात करेंगे इस कम से कम करौली आश्रम के इर्द गिर्द, तो या तो लोग बोलेंगे नहीं कुछ, और बोलेंगे तो सिर्फ बाबा के समर्थन में बोलेंगे। अब ये मार्केट में नए करौली बाबा, पुराने संतोष, पुलिस जांच कर रही है, और उस डॉक्टर के केस की वजह से अब वो सुर्खियों में, पूरे देश के नेशनल टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पर उनकी तमाम खबरें आ रही हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, लेकिन जहाँ तक मैंने शुरू में एक लाइन कही कि सुर्खियों में जिस तरीके से तमाम हाल फिलहाल में जितने बाबा आए, उनमें से ज़्यादातर बाबाओं का अंजाम और हश्र वही हुआ है जो सब जेल में पहुँचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इनकी जब ये सुर्खियाँ आई, तब 924 का वो मर्डर केस, हालांकि उसमें बेल आउट है, और इन्होंने खुद लेकिन ये कहा है अपने ही चैनल यूट्यूब पर, एक बयान जारी किया है कि मैं कहीं से भी कोई मैंने गलत काम नहीं किया, CBI से लेके ED से लेके जो आए जांच कर ले, हम उसको अपने यहाँ रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और मैं कभी मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ, खुद ही गया था, वो बाकी सारे जो आरोप हैं वो सब झूठे हैं। लेकिन अब ये नई चीज़ जो सामने आई है, तो क्या पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे बाबाओं का जो सच एक एक कर खुलता जाता है, तो इसमें और क्या नई जानकारी आएगी, ये ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा जब भी अपडेट आएगा। बहुत सारे लोगों के असल में मेल आए और क्या जी आप कहानी सुनाए, वरना आज की कहानी कायदे से कुछ और थी, लेकिन मैंने कहा चलिए आप तक पहुंचाता हूं। तो फिलहाल मार्केट में आए नए बाबा की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज रियांश का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश,
और मनिंदर सिंह ने भेजा है, रियांश दास हैं ये। इसके अलावा क्रिश कोडली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रिश। और भव्य राज सिंह शक्तावत ने भेजा है। सौरभ लखनऊ से, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सौरभ। और सुरभि, सर्वेश, स्वाति और मैंक यूके से, लंदन से इन्होंने भेजा ये मेल। साथ ही सोनल माहीधारिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनल। और इनके ब्रदर जो हैं हेमल माहीधारिया, इनका भी जन्मदिन है, तो दोनों भाई बहन का आज जन्मदिन है। तो सोहल और हेमल, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और अच्छा लगता होगा जब भाई बहन का एक साथ एक ही घर में बर्थडे हो। प्राग ने भेजा है ये। इसके अलावा मनदीप कौर जी ने एक मेल लिखा है, और अच्छा किया मनदीप कौर जी ने आपने ये मेल लिखा। इन्होंने जो मेल लिखा, मैंने अभी अमृतपाल सिंह की जो कहानी सुनाई थी उसमें दो शब्द बोले थे मैंने। एक वो जो कि अब अमृतपाल सिंह ने अपनी जो वेशभूषा ड्रेस है वो भिंडरा वाले की तरह बनाने की कोशिश की गई है, और वो जो मैंने पतलून शब्द इस्तेमाल किया था, इन्होंने कहा नहीं उसे केशहरा कहते हैं। और दूसरा ये कि मैंने कहा था वो धार्मिक झंडा, उसको निशान साहब कहते हैं, मेरी जानकारी कम थी तो इसलिए मैं बोल गया। लेकिन मनदीप कौर जी, शुक्रिया आपका, आपने इस गलती की तरफ ध्यान दिलाया। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी बात से किसी की भी भावना को ठेस पहुँचे, तो थैंक यू मनदीप कौर जी, आपने जो कहा और वो सही था। तो इसके अलावा डॉक्टर उमंग अखानी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की, और थैंक यू आपके मेल के लिए। राहुल पंडराम, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्रीति नरुला, थैंक यू सो मच। और कल से नवरात्र शुरू हुआ था और कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो आप तमाम पूरी क्रैन तक फैमिली मेम्बर को नवरात्र और रमज़ान दोनों की बहुत बहुत मुबारक और बधाई, और सब इसी तरह खुश रहें और तमाम त्यौहार मनाते रहें। अब चलते चलते एक बार फिर आपको बस वही याद दिला दूँ कि क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक और उसमें डिस्काउंट, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो आप जाएं, और क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए खासतौर पर कूपन कोड है crime50, जिससे आपको 50% डिस्काउंट यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में मिलेगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।